वापस मेडिटेशन करना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू मेडिटेट ऑन द सेम वर्स जो हमने लास्ट मिनट को लास्ट मिनट भी सीखे थे. द वन दैट वी लर्न एंड मेडिटेटेड इन द ऑन लास्ट वेडनेसडे मत्ती 5 में 4 मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. ब्लेस्ड आर दे दैट मून फॉर दे शैल बी कंफर्टेड. परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये जो वचन सभी वचन लिखा है वहाँ पर छह लोगों के लिए बताया जा रहा है. And all the verses that are written here in this chapter, God is speaking to His disciples as well. यहाँ पर बता रहे कि धन्य है वो व्यक्ति जो शोक करते हैं. And here it is written in this verse, that blessed are they that mourn. लोग काफी सारे लोग जो अलग-अलग चीजों के लिए शोक करते हैं. There are a lot of people who mourn for many various different things. हो सकता है कि मेरा सैलरी कम आया. It's possible that my salary has come lesser than what it is. चोरी हो गया. Or something that is stolen away. But यहाँ पर अलग एक शोक बता रहे हैं. But the mourning that is mentioned here is of a different perspective. ये शोक इसलिए है. The mourning that is mentioned here is because हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया. That we have sinned against our God. जब मैं शोक मतलब जब मैं देखता हूँ कि एक अच्छा पिक्चर मेरे नजर में आता है कि जब सैमुएल को जब मालूम पड़ा कि सौल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है. One of the best illustrations that come to mind when we talk about mourning is that when Samuel realizes and comes to know that Saul has sinned against God. और वो उसका हाल इतना है कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध तूने क्या किया? And then he is so grieved that he asks Saul that how what have you done against our God? और वो उस टाइम देखते हैं कि वो वचन में लिखा है कि वो रात भर रोता है. And then we see there that how day night and day he cries. और ये सच बात है. And this is true a true thing. जो रियल में शोक करते हैं. That we must this is what we must really mourn for. जो रियल में शोक करते हैं. The people who actually mourn. उसी को कंफर्ट मिलता है. And only they can be comforted. जो शोक नहीं करते. Those who do not mourn. उनको कंफर्ट नहीं मिलता परमेश्वर की ओर से. They can never receive that comfort from God. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. I would like to ask you a question. Last week में. In the last week. क्या तुमने शोक किया है? Have you mourned? अपने आप से पूछ के देखो. Ask yourself this question. क्या हो सकता है कुछ हफ्ते भर में हमने शोक नहीं किया रहेगा? It's possible that the whole week we may not have mourned. लेकिन हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं. परमेश्वर से दूर जा रहे हैं. And then because of that we know that we are going away far from God. जो हमारा कनेक्शन है परमेश्वर से ब्रेक हो गए हैं. The connection that we had with God has now been broken. कोई भी चीज हमसे अलग नहीं कर सकता परमेश्वर से. And there is nothing that can separate us from the love of Christ. सिर्फ एक पाप ही है जो हमको परमेश्वर से अलग कर सकता है. There is only one thing that can separate us from the love of Christ and that is sin. You know last week में in the week before last मैं घर पे कंप्यूटर है कंप्यूटर है. I have a computer at home. उसमें एक नेट का कनेक्शन दिया है. There we have a connection to the net. और उसमें तीन दिन से नेट का कनेक्शन बंद था. And there for 3 days we were not able to connect to the internet. और हम परेशान हो गए थे सुनंदर में कि कनेक्शन क्यों नहीं. हम फोन किए और पूछे कि क्या हो गया. और इवन उन्होंने आ रहे भी नहीं कि कुछ करे रिपेयर के लिए. एंड वी वर वेरी ट्रबल्ड एज टू व्हाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. वी ट्राइड एवरी पॉसिबल मींस. वी इवन कॉल देम बट वी कुडंट गेट अ सॉल्यूशन टू दैट. हम बोल रहे थे कि यार ये कैसे सर्विस है ये सही नहीं है अच्छा नहीं है इसे जब बंद कर देगा अच्छा है. एंड वी वर टॉकिंग टू आवरसेल्फ एंड वी वर सेइंग दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विस इज दिस. दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड सर्विस एंड देयरफॉर वी विल shut down the service. We will now no more take any help from them. एक दिन बीत गया. One day passed away. दो दिन बीत गया. 2 days passed away. तीसरे दिन भी निकल गया. Third day also went by. Third day evening में. And on the third day in the evening. मैंने जस्ट उस वायर का कनेक्शन लिया. I just took the connection, the wire. इंटरनेट का. The internet wire. और वो मैंने उसको शायद उसमें थोड़ा रस्ट था तो मैंने उसको क्लीन किया. So probably on that the plug there might have been slight dust. I just wiped it away. और वो क्लीन करके मैंने जस्ट प्लगिंग किया उसको. I just cleaned that internet socket in the end. I cleaned it and I plugged it back. कनेक्शन चालू हो गया. And the connection started. तो मैं क्यों उस टाइम परमेश्वर से बात किया. And at that time I spoke to God. इसमें किसी का गलती नहीं अपना. मैं तुम्हें बताने चाह रहा हूँ कि आप जैसे कनेक्शन वो रस रोक रहा था नेट को कनेक्शन आने के लिए.
And that's the time God revealed to me that the mistake was with no one else. And this is an example I like to share, that the sin within us stops our connection with God. हम रोज डेली लाइफ में जी सकते हैं, मेरे कनेक्शन नहीं मिल रहा, but परमिशन से हमारा कनेक्शन ब्रेक होता है, फिर भी हम चलते रहते हैं. And so in our daily life also we know sometimes many times we realize that our connection with our God is broken, but still we carry on with our lives. और वही मैं सीखा कि हमको अपने आप को हमेशा शुद्ध करना है. And this is what I learned, that it is necessary that we have to keep on cleansing ourselves. और हमेशा हमको डिस्क्रेट नहीं होना है. And we should never be discouraged. और हमको परमिशन से सीखना है, Lord ने सीखा इस चीज को. But we have to learn from the Lord, and we have to ask the Lord, God, you teach me these things. तो मैं जैसे बोला कि कनेक्शन तो मुझे दिया है, उसका प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम मेरे अंदर था, मेरे इसमें था. As I explained in the illustration before, that the problem was not with anybody else about the connection, but was within me on my side. So इसलिए हमको हमेशा अपने आप को शुद्ध करना है. And therefore, it is very important that we have to cleanse ourselves every time. परमेश्वर के साथ बना लेना. And we have to be always in that relationship with God. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. I would like to share one more thing. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ चर्च के लिए. And I want to praise God for this church. ये बाकी चर्च में मेरा अनुभव है कि कोई भी चर्च में से हमको ये शेयरिंग ऐसा मिलेगा नहीं. That as with the other denominations or other churches where I went, I have not received such a teaching as what I have got here. क्योंकि हम काफी सारे चर्च में हम देखते हैं कि काफी सारा ब्लेसिंग के बारे में हमको सुनने के लिए मिलता है. Because in various churches we only hear about the blessings that we can get. मेरे को मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं कि बोलने के लिए ये एक चर्च है जो हमको परमेश्वर का दुख के बारे में बताता है, सफर के बारे में बताता है. But I would boldly like to say that this is the only church where we talk about the suffering in Christ. I am message कहता हूँ कि ये ऐसा message है, मैंने बहुत सारा सुना, मतलब suffering का नहीं, आशीष का. And I want to truly say that I have heard many messages about blessing. मेरा जीवन बदले नहीं हुआ. But my life was never changed. मैंने एक message सुना. I heard one message. पश्चाताप करो, मन फिराओ. That you repent and turn your ways. पश्चाताप करो, मन फिराओ. You repent and turn your way. मेरा जीवन को बदल के रख दिया. And that one message has changed my life completely. मैं सच कहता हूँ. I truly say. एक message मुझे हमेशा preach करूँगा, मैं हमेशा preach करूँगा. And this is the message that I have to regularly and every time preach, I will continuously preach this message. क्योंकि मेरे जीवन को बदल के रख दिया. Because this is the message that has changed my life. और ये बताना चाहता हूँ मैं. I would like to share one more thing. कि इस चीज में धन्य है भी तुम जब मनुष्य मेरे कान तुम्हारे निंदा करे और सताए झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. तब आनंदित होना और मगन होना. Rejoice and be exceeding glad. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा फल है. For great is your reward in heaven. इसीलिए कि उन्होंने उन पश्चातों को भी तुमसे पहले कई सी रीति से सताया था. For so persecuted they the prophets which were before you. देखते कि क्वेश्चन में कि हर एक जो मसीह लोग इवन तिमोथी में लिखा है कि 3:12 में कि हर एक जो क्रिश्चियन जो यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं. And we have seen and even as Timotheus has explained his experience that all those people who want to follow Christ. सब सताए जाएंगे. That they all will be persecuted. इसमें लिखा है all. It is written the word as all. सभी को सताया जो नॉर्मल क्रिश्चियन है, जैसे काफी क्रिश्चियन जो उनको सतावट नहीं है. Therefore when we look at nominal Christians, most of them do not have any persecution. मेरा खुद का भी बताना चाहता हूँ. I would like to talk about my own self. मैं जब ट्रू क्रिश्चियन नहीं था. When I was not a true Christian. हाँ, मसीह परिवार में जन्म हो गया मेरा. I was born in a Christian family. ट्रू क्रिश्चियन नहीं था. But I was definitely not a Christian. मैं एक बार भी मुझे कोई सतावट नहीं था. But I never faced persecution even once in my life. After जब मैं रिपेंट किया, पश्चाताप किया, मैं जीसस को फॉलो करना चालू किया. But when I repented and I confessed my sins and I started following Christ. शैतान ये सब बैर नहीं करते. And that's the time when devil starts working. तो वो अपने काम चालू कर देता है. He starts his work. और वो सतावट लाना चालू कर देता है. And then he starts bringing persecution in our life. मैं इस चर्च के लिए धन्यवाद करता हूँ चर्च के लिए. And I would definitely like to praise God for this church. इस चर्च के तुम्हें सिखाते हैं कि आपको किस तरह persecution में रहना है. And this church teaches me how we are supposed to live while in persecution. Husband and wife किस तरह से रहना है. How a husband and a wife has to live. Even our personal life, even church के अंदर बाहर हम जाके किस तरह रहना है. And even in our own personal lives, in the church life, or when we are outside the church, how we are supposed to live. मैं धन्यवाद करता हूँ इस चर्च के लिए कि मुझे प्रैक्टिकली मुझे मदद कर रहा है. And I want to praise God that these messages and these teachings practically help me in my life. और ये सच बात है कि जब मैं ट्रू क्रिश्चियन में जब मैं फॉलो करना चालू किया, सतावट आना चालू हो गया. And this is a true fact that when as a true Christian we start following Jesus,
Jesus Christ, all the persecutions start coming in our way. मेरा family में. In my family. मेरे office में. In my office. हर एक चीज में मैं देख रहा हूँ कि सतावट चालू हो गया. In every area, I see that there is persecution that has started. और एक बार तो ऐसा हुआ office में. There was once such a thing that happened in my office. ये लोग ने पूरा gang मतलब मेरे friend circle में gang बनकर मुझे पे काफी सारा चीज बोला उन्होंने. And in my own friend circle, there was a gang that they formed, and as a gang, they spoke many things against me. और वो लोग टट्टी उड़ाने लगे मेरा. And they started making fun of me, mocked me. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता इस वचन के लिए. But I want to praise God for this verse. मैं उस टाइम में सिर्फ परमेश्वर को देख रहा था. That at that time when I was persecuted, I was only looking at God. Lord, मैं क्या करूं इन लोगों को मैं क्या जवाब दूं? And God, what do I do? What should I respond to these people? मैं सच कहता हूं मेरे भाइयों. And I truly say, my brothers. हर एक सतावट में जब तुम परमेश्वर को देखोगे. That when we are going through persecution and during that time you look to God. परमेश्वर तुमको जवाब देगा. God will answer you. उस समय जब परमेश्वर बोला पूछ मत, चुपचाप रहो. That time God told me that you do not do anything, you just remain silent and quiet. कितने बार हो गया ऐसा? And there were so many instances in my life like this. परमेश्वर तुमको ये चीजें सिखाता है. And through these persecutions, God teaches us. अगर हमें ये चीज नहीं चाहिए तो परमेश्वर कुछ भी नहीं सिख पाएंगे. But if we do not, we say no to persecution, then God will not be able to teach us anything. Proverbs में एक वचन लिखा है. There is a verse in Proverbs. प्रॉब्स का वचन एक बुद्धि का वचन है. इट इज अ वाइज सेइंग. उसमें इस तरह से लिखा है एक वचन में कि परमेश्वर मुझे उतना ही देना जितना मुझे जरूरत है. The wise saying in the book of Proverbs, as it's mentioned, it says that as much as I need, only that much you give me, God. ज्यादा मत दे ताकि मैं कहाँ कर चतुर तंदुरुस्त होकर मैं परमेश्वर को भूल जाऊँ. Do not give me more than what I require, lest I eat and be filled and satisfied and forget my God. सच्ची में तुम विश्वास करते हो कि हम मैं इस वचन में जब पढ़ रहा था कि मतलब काफी सारा कंफर्ट, काफी सारा पैसा, काफी सारा ऐशो आराम वो परमेश्वर से दूर ले गया था. And I have seen and an experience in my life that when everything happens according to our own will, when there's lot of money, when there's lot of comfort and everything that we require, then we go away from God. But मैं एक चीज में बोल सकता हूँ. But I can say one thing. शायद मेरे पास पैसा नहीं है. That today I do not have money as much as. मेरे पास घर नहीं है. I may not have my own house. मेरे पास परमेश्वर है. But I have my God. मेरे पास peace, joy, आनंद है. And I have the peace, the joy, and that rejoicing. मैं विश्वास करता हूँ ये true riches हैं. And I believe that these are the true riches. और ये चीज़ के लिए पीछा करो. And these are the things that we have to run after. Even Paulus भी बोलता है Timothy 6 में. And even Paul says in Timothy 6th chapter, संसार की चीजों से भागो. That you run away from the, flee from the worldly things. उसका joy, उसका love, उसके पीछे उसका पीछा करो. But the peace of God, the love of God, and the joy run behind these things. Take by you seriously जो इस चीज को. And I would really encourage all my brethren to take these matters seriously. और Jesus को follow करो. And follow Jesus.